मॉर्निंग क्लास लास्ट हो योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग चैप्टर फोर्थ पढ़ रहे थे, हम लोग कैमिकल्स एंड कैमिकल जीन्स चैप्टर फोर पढ़ रहे हैं। कैमिकल्स एंड कैमिकल जीन्स, केमिकल्स एंड केमिकल जीन्स। चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे एटम्स के बारे में, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो वीडियो बता चुके हैं कि जो पिछले पहले चैप्टर पढ़ाते थे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, वो एक्चुअल में वो केमिकल्स एंड केमिकल सिंथेसिस ही है, ठीक है। पुराने युग में उसके नाम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर थे, ठीक है। तो सब पहले पढ़ाए थे एटम्स, फिर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ाया, फिर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया, फिर सिंबल के बारे में पढ़ाया, ठीक है। अभी पिछले वीडियो में हम एटमोसिटी के बारे में बताए कि अगर कोई भी एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, कभी भी हाइड्रोजन अकेले नहीं लिखा जाता है, हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है। H2 लिखा जाता है इसका मतलब इसके एटमोसिटी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन की एटमोसिटी कितना होगा, समझाया चुका है, ठीक है। इसी तरीके से O2, इसी प्रकार से O2 होता है, O2 का भी 2 है एटमोसिटी, ये भी डायटॉमिक होता है, इसके बारे में समझा चुके थे आप लोगों को। अब हम लोगों को पढ़ना है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका सोडियम, इसमें दो चीजें, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। तो सोडियम का होता है Na+1, ठीक है, और क्लोराइड का होता है Cl-1। ये इसका प्लस वन इधर चला जाता है और इसका माइनस वन इधर चला जाता है, तो ये बन जाता है इसका फॉर्मूला NaCl, NaCl। क्या हुआ, इसी प्रकार से एक और देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या देखते हैं, तो दो चीजें हैं, एक मैग्नीशियम और एक क्लोराइड, मतलब क्लोरीन। तो मैग्नीशियम
की जरूरत ही नहीं याद करने की। जैसे मैं एलएलसीएम बोल रहे हैं, अगर आपको एलएलसीएम का पता है, एलएलसीएम प्लस टू होता है, कोलिन का माइनस वन होता है, तब तुरंत दिमाग में उसको क्रिस क्रॉस करके आप समझे इसका फॉर्मूला होता है एलएलसीएम। अगर ये आप एलएलसीएम नहीं समझ पाते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जो कि थाउजेंड्स ऑफ मोर देन थाउजेंड्स अभी फॉर्मूला से आपको मिलते हैं। ठीक है, तो सारी फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके लिए इसलिए वैलेंसी जानना जरूरी है। तो हम जानेंगे वैलेंसी के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी क्या है और इसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। वैलेंसी हिंदी इसका होता है संयोजकता, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ एंड ऑफ ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कितना कंबाइन कर सकता है। ठीक है, उसी को हम वैलेंसी का, जैसे बताया आपको दो एग्जाम्पल बताए थे कि सोडियम को किसी दूसरे के साथ ऑक्सीजन के साथ अगर करना हो, ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट का जो एटम है वो कितना कंबाइन कर सकता है, कितने एटम्स को वो दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, दे सकता है। तो Na का प्लस वन होता है तो एक एटम्स को शेयर कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसकी वैलेंसी प्लस वन होता है। कैसे हम डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे यहां एग्जाम्पल के लिए हम कुछ लिख देते हैं, एग्जाम्पल के लिए Na का वैलेंसी होता है प्लस वन। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है माइनस टू। Mg का मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है प्लस टू। तो ये कैसे प्लस वन माइनस टू प्लस टू हो जा रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और वैलेंसी बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे वैलेंसी के बारे में। ठीक है, कैसे हम वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था एक से लेकर 20 तक 1 to 23 एलिमेंट्स के बारे में, बताए थे कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल HE होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का Be होता है। इस तरीके से 1 to 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के बारे में बताया गया। अब बताएंगे हम उसके 1 to 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी के बारे में।
और बताएंगे इसके वैलेंसी के बाद। हमें पहले बताते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट। फिर दूसरा लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। फिर लिखते हैं सिंबल, ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं इतना तो पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, ये नया है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, 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 ठीक है। इसके बाद आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरी एलिमेंट्स में, सो 18 एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट में 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये जो 6 हैं, इन 6 को हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, ये स्टेबल होता है, ठीक है। इस सभी एलिमेंट्स को किसी दूसरे के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग इसकी तरह बने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन की तरह। सभी हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन तीन के बारे में बताएंगे ज्यादातर। हीलियम का जैसे आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, और आर्गन का 18 होता है। 20 तक ही पढ़ना है तो हम लोग इतना ही जानेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। तो ये जो भी इनर्ट गैस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इनको किसी के साथ कंबाइन नहीं करना होता है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनके जैसा बने, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए समझाया जा सकता है, मान लीजिए अंबानी, अंबानी का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, अंबानी इंडिया रिचेस्ट मैन है, ठीक है। वो तो कभी नहीं सोचेगा कि वो कास्ट हम लोगों की तरह बन जाए, क्या कभी वो सोचेगा कि हम लोग की तरह वो बन जाए, वो हम लोगों से बहुत अधिक ज्यादा अमीर है, ठीक है, तो वो हम लोग तरह तो नहीं बनना चाहेगा, लेकिन हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि कास्ट हम लोग भी अंबानी जैसा बन, ठीक है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि इसकी तरह बन जाए, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन की तरह बन जाए, लेकिन ये हीलियम, नियॉन, आर्गन ये नहीं चाहता है किसी दूसरे एलिमेंट की तरह, ठीक है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि अंबानी है, इसको किसी तरह नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आते हैं लोग अपने फर्स्ट एलिमेंट, हमारा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका सिंबल होता है एच, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 होता है और वैलेंसी भी इसका +1 होता है। इसका एक अलग तरीका है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक अलग गुण होता है, ये अगर एक इसको एटम बॉन्ड मिल जाए, ठीक है, तो ये हीलियम की तरह बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर एटम का या इलेक्ट्रॉन के इस्तेमाल को आगे तक अच्छे जाने
हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, सिंबल होता है इसका HE, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होता है 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और इसके वैलेंस कितने होते हैं तो देखिए हीलियम 2, ये क्या है, स्टेबल है, इसको किसी की तरह नहीं बनना है, तो इसको तो कंबाइन करना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है, तो इसके वैलेंस हो जाएंगे 0, क्या हो जाएगा वैलेंस 0। इसके बाद आते हैं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका सिंबल Li, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 2, 1। अब देखिए यहां पे आपका जैसे ये दो स्टेबल है, हीलियम क्या होता है स्टेबल होता है, तो ये चीज हमेशा रिपीट करेगा, 2 से आगे नहीं बढ़ेगा, ये 2 ही रहेगा, 2, 3 नहीं हो सकता है, और 2 रहेगा बाकी जो भी बढ़ जाता है 3 है, तो इसको बगल में लिख लीजिए। इसके बारे में आगे चल के अच्छे से समझना है, ये इसका KL, KLM, N के हिसाब से इसको बांटा जाता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। तो इसका ये जो लास्ट होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपको 1, Li का हो जाएगा 2, 1, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, और इसका वैलेंस हो जाएगा +1। लिथियम के बाद आते हैं लोग बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके सिंबल होते हैं Be, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होता है 2, 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अंत में 2 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और इसका वैलेंसी होता है कितना, अब इसको बनना किसकी तरह है, हीलियम की तरह बनना है, ये 2 किसी को दे देगा तो ये हीलियम की तरह बन जाएगा, इसका वैलेंसी होता है +2, ठीक है। इसके बाद आता है आपको बोरॉन, बोरॉन का होता है एटॉमिक नंबर 5, इसका सिंबल होता है B, इसके हो जाएंगे 2, 3, 2, 3, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंत में कितना है 3 है, और इसका वैलेंस भी हो जाएगा +3, ये 3 दे देगा तो क्या बन जाएगा, इसकी तरह बन जाएगा, हीलियम की तरह बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इसकी वैलेंस कितने होते हैं बोरॉन के 3 होते हैं। अब बोरॉन के बाद आते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, C, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, अब देखना ये है, ठीक है, अब देखना ये है किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है 4, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो बन जाएगा हीलियम की तरह, 6 + 4 हटा दे 2 हो जाएगा, हीलियम की तरह बन जाएगा, और यही इसको 4 इलेक्ट्रॉन और किसी से मिल जाता है तो बन जाएगा नियॉन की तरह, तो इसके साथ दिक्कत हो जाता है कि ये कहता है कि लोग 4 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो सकते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी तो स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, इनके पास दोनों गुण होता है, ये दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है, तो जिनमें दोनों गुण होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है, वो हमेशा शेयर करते हैं, ठीक है, तो इनके पास दोनों गुण होता है +-4 दोनों होता है, इसलिए कार्बन क्या करता है हमेशा शेयर करता है,
ये चार इलेक्ट्रॉन्स को देता भी है और लेता भी है। इसके बारे में हम लोग जब आपको फॉर्मूला बताएंगे तो समझाएंगे कि शेयर कैसे किया जाता है। अब आते हैं हम कार्बन के बाद नेक्स्ट जो सरल नंबर पे आता है वो है नाइट्रोजन। चलिए इसको मिटाते हैं। हम लोग कार्बन तक पढ़े थे, अब देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसके सिंबल होते हैं N, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2, 5। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 5। अब ये बताइए कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास दो ऑप्शन है, हीलियम की तरह बनना और दूसरा न्यूरोन की तरह बनना। ठीक है, ये 7 है 2 5 है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, 5 ये चला जाता है तो बन जाएगा 2 की तरह, और यदि 3 किसी से ले लेता है तो बन जाएगा 10 की तरह, न्यूरोन की तरह। तो इसके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, 3 किससे लेकर न्यूरोन की तरह बन जाना। 5 देने से अच्छा है 3 ले ले, इसकी वैलेंस भी जाएंगे -3। 3 ले रहा है किसी से, उसका वैलेंस भी जाएगा -3। अगर वही देता तो उसका वैलेंस भी प्लस में होता, और ले रहा है तो उसका वैलेंस भी माइनस में होता। नाइट्रोजन के बाद आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका सिंबल कितना होता है O होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन 2, 6 होते हैं। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और ये कितना देगा, 2, 6 है 8 है, तो ये अगर 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो हीलियम की तरह बनेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग इतना आपको समझेंगे, 1 से 10 तक के वैलेंसी को समझेंगे, कुछ बुक्स में दिए हुए हैं वो भी वैलेंसी को समझेंगे,
बाकी बैलेंसी को आपको फिर नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे, ठीक है।